हे गाइस, गुड आफ्टरनून। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैं अपना व्लॉग 2 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि सुबह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। रात को अन्नी रोने लगी थी, इसलिए मैं उसे सुलाने लगी और फिर उसको सुलाते सुलाते मुझे भी नींद आ गई। इस चक्कर में मैं अपना व्लॉग कल वाला व्लॉग एडिट नहीं कर पाई थी, इस वजह से मैंने सुबह जल्दी उठ के उसे एडिट किया। उसे एडिट करते करते मुझे 8 बज गए थे। इस चक्कर में फिर मुझे काफ़ी लेट हो गई थी मैं, और फिर इनको आज लंच करके जाना था, सो मैं फटाफट लंच बनाया, इनको लंच कराया, उसके बाद ये ऑफिस गए और उसके बाद मैंने अन्नी और उनू को नहलाया धोलाया, फिर उनको भी लंच कराया। अन्नी फिर से रोने लगी सोने के लिए, फिर मैंने उसको सुलाया और उसके बाद मैं खुद नहाई धोई और किचन का जो थोड़ा बहुत काम था वो समेटा। और उसके बाद अब अन्नी थोड़ी देर पर 5 मिनट हुए अन्नी उठी है, तो फिर मैंने उसको पानी वानी पिला के उसको बाहर बैठाया। मैंने कहा चलो मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, और फिर उसके बाद मेरे को अन्नी का भी लंच बनाना है। अन्नी के लिए मैं सोची पराठा बना लूँ, वैसे वो कुछ खाती नहीं है, सब्जी उब्जी कुछ खाती नहीं है। दलिया मैंने कल ही खिलाया था, खिचड़ी मैंने कल ही बनाई थी, इसीलिए कल दलिया और खिचड़ी दोनों बने थे, इसलिए मैं आज सिंपल सा पराठा घी वाला बना के उसको खिलाऊंगी। और चलिए गाइस, फिर मैं पराठा बनाती हूँ और वहीं आप लोगों से बात भी करती हूँ। मैंने पराठा बनाना स्टार्ट कर दिया अन्नी के लिए। अन्नी को मोइन वाला पराठा काफी अच्छा लगता है, थोड़ा सा हल्का सा मैं नमक डाल दूंगी इसके अंदर, उसको काफी स्वाद लगता है, वो अच्छे से खा लेती है। अन्ना यम्मी यम्मी टाटा डी, हाय करो, हाय अन्ना, हाय हाय उन, हाय से हेलो, बोलो गुड आफ्टरनून, बोलो उन गुड आफ्टरनून, बोलो बोलो गुड आफ्टरनून। और मैंने अन्नी को बोला हेलो, तो अन्नी अपने आप ही ता 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 करने लगी। उसको भी पता चलेगा कि मम्मा मुझसे करवाएगी, इससे पहले ही मैं कर देती हूँ। उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ खाना खाया था, मगर मैंने कहा चलो थोड़ा सा एक पराठा और बना देती हूँ, सोया तो है नहीं, टीवी देख रहा है, इधर से उधर मस्ती कर रहा है, तो मैंने कहा चलो पराठा पूछ लिया मैंने, हाँ ऐसे खा लो, गोल गोल करके खा लो, ठीक है फिनिश कर देना पूरा दोनों जने। ये क्या किया गाइस, मैंने बच्चों को लंच वंच करा दिया, पराठा पराठा खिला दिया, मोइन वाला पराठा बनाया था, थोड़ा थोड़ा दोनों ने खाया, क्योंकि उन्होंने तो लंच कर ही रखा था ऑलरेडी। अन्नी ने 2-4 बाइट खाया, मतलब 2-4 5-6 बाइट खाया, बस इसका भी हो गया, फिर ये मना करने लग गई। और अब मैं मुझे आज मुझे मेरा सूट डालने के लिए जाना है, क्योंकि वो अभी क्या अभी मैं डालूंगी तो मुझे वो करवा चौथ तक सूट मिल जाएगा, क्योंकि मुझे करवा चौथ पे उसे पहनना है। हाउस वाइफ है, उन्हीं के घर पे जाके देख के आती हूँ, क्योंकि मैं राजस्थानी ड्रेस सिलवाऊंगी, क्योंकि हम लोग राजस्थान के, इस वजह से मुझे राजस्थानी पोशाक पहननी पड़ती है, किसी मतलब फेस्टिवल में मुझे राजस्थानी ड्रेस ही पहननी पड़ती है, अदरवाइज मैं कुछ भी पहनूँ मगर फेस्टिवल में मुझे राजस्थानी ड्रेस ही पहननी पड़ती है। तो मैं फटाफट पहले अपना घर अवेड़ लूँ, मैं आप लोगों को अपना घर दिखाती हूँ कि मेरा घर देखो कैसा फैला रखा है बच्चों ने, ये देखो बच्चों ने क्या हालत कर रखी है घर की, मुझे अभी सब इनको अब सही करना पड़ेगा, फटाफट मैं इनको सही करती हूँ पहले। चलिए फिर मैं थोड़ा उन लोगों को साइज बता दो कैसे सिलना है क्या सिलना है, फिर मैं बात करती हूँ आप लोगों से। वो
तो वहीं को वहीं बैठा रह गया। अरे तो घोड़ा बन के तो चल, घोड़ा भी नहीं बन रहा तो। हाँ बन गया तो देखो चल दिया ना। कुछ रहता था नहीं, इसको वैसे भी नहीं चलाते, इसलिए मैं तो अपन तो गार्डन चला करेंगे। आपको काम भी नहीं है? नहीं मुझे बता देना, मैं भी आऊंगी। जैसे सब्जी बनाए आटा लगाए तो 5 बजे के बाद आ जाएगा। गाइस मैं फटाफट आते किचन में लगे क्योंकि मुझे पता था ये दोनों भूखे होंगे, शाम को दूध पी के ही गए हैं बस, और उनू के आज दिन में सोया नहीं है तो इसलिए वो हो सकता है वो जल्दी भी सो जाए। इस वजह से मैं फटाफट आते खाना बनाया मैंने, और मैं इन लोगों के लिए जस्ट अभी खाना लेके आई हूँ और इन लोगों को खिला रही हूँ। एक्चुअली क्या हम लोग सूट देने गए थे, पास में ही पार्क था तो हम थोड़ा सा वहाँ पर भी घूम लिए, और ना क्या कहते सब्जी भी साथ में लेके आई, सब्जी की दुकान भी वहीं थी तो वहाँ से सब्जी भी लेती हुई आई, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, वरना ना कहते हम लोग जल्दी आ जाते। और अब मैं फटाफट खाना लेके आई हूँ इन लोगों को खिलाने के लिए। उन्होंने तो मना कर रहा है, नहीं मम्मा मुझे सोने दो, मुझे खाना नहीं खाना, मगर मैं कह रही थोड़ा सा खा ले फिर सो जाने, नहीं तो पूरी रात भूखा ही रह जाएगा। चले गए तो मैं इन लोगों को खाना खिलाती हूँ और मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। उठ के बैठो गलत बात उठ के बैठो। अन्नी थोड़ा सा खा लो, अभी दोनों ही खाना नहीं खा रहे। उन्हों उठ के बैठो बेटा, आज उन्हों जिद कर रहे हैं कि मैं बिस्तर पे खाऊंगा, इसलिए मैं बिस्तर पे लेके आई इसका, मगर अब ये दोनों ही नहीं खाना खा रहे। बालकनी से रात में बहुत ज्यादा डर लगता है, इसको लगता है रात में अंधेरा होता है बालकनी में, तो इसको लगता है कि बालकनी में हाबू है। मैं दिखाती हूँ आपको, और नहीं हाबू 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 का जाएगा, हाबू का जाएगा पूरा हाबू हाबू हाबू। चलेगा आज मैंने और अन्नी ने बहुत ज्यादा मस्ती कर ली, और उनू सो गया है, उनू छो गया, और ये भी छोई थी थोड़ी देर के लिए, मगर ये वापस छुट गई है, ये जो कि उठ चुकी है और इसने मुझे काम भी नहीं करने दिया, और ये उससे पहले ही उठ गई, और अब हम दोनों ने खूब मस्ती कर ली, काम वाम मैंने सलटा लिया पूरा, और अभी तक ये आए नहीं है, ये 10 बजे तक आएंगे। उनू सो चुका है, उनू उसी टाइम सो गया था, खाना वाना खा के, उसने खाना भी ठीक से नहीं खाया, उससे पहले ही वो सो गया, उसको तो बस नींद आ रही थी क्योंकि वो पार्क से खेल के आया था तो बहुत ज्यादा थक गया था, तो उसको तो नींद आने लगी आती, तो वो सो गया है। और अन्नी भी सोई थी, मगर अन्नी 10-15 मिनट सोई, मेरा रोटी बनी और रोटी बनते ही उठ गई, और ये उस टाइम से शैतानी कर दी, मैंने फटाफट से किचन के प्लेटफॉर्म पे बैठा के और बर्तन धोए, और उसके बाद हम दोनों अब मस्ती कर ली, हम दोनों ने खूब मस्ती करी, और अब हम आपसे बात कर रहे हैं। खाना वाना बन चुका है, सब कुछ काम हो चुका है, मगर ये 10 बजे तक आएंगे, अभी तक ये आए नहीं है, और ये जब आएंगे उसके बाद मैं और ये खाना खाएंगे। और अन्नी ने आज एक भी बाइट खाना नहीं खाया, उन्होंने भी 2-4 बाइट ही खाया, और देखते हैं अन्नी खाती है कि नहीं खाती, वापस हमारे साथ हम खाएंगे तभी से वापस खिलाएंगे, और फिर दूध पिलाऊंगी मैं इसे। और अभी तो देखो ये फुल मस्ती के मूड में, मेरे साथ साथ ये भी गर्मी में बैठी हुई है, मैंने फैन नहीं चला रखा क्योंकि फैन की वजह से वीडियो को बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, तो मैंने फैन नहीं चला रखा, और ये भी गर्मी में मेरे साथ साथ बैठी है, और यहाँ पर इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। कल हम उनके स्कूल ढूंढने नहीं जा पाए, और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन से स्कूल में उनका एडमिशन कराऊँ, क्योंकि हमारी सोसाइटी वाली जो स्कूल है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, और जो बाहर है उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सी अच्छी है कौन सी कैसी है, तो उसके लिए मैं एक दिन जाके आऊँगी, सब कुछ देख के आऊँगी, अगर उनको छुट्टी मिल गई तो ठीक है, वरना मैं खुद जाऊँगी। और उन्हें उड़ गया, वो भी आवाज़ लगा रहा है, आ रही हूँ बेटा। चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय कर दो, बाय बाय गाइस।